अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में जिस प्रोजेक्ट में लोग आने वाले टाइम में ना बड़ी खुशी से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन ये हकीकत है। हकीकत इसलिए है कि आज डिस्कशन हो रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ना दो सबसे बड़े फ़ायदे होंगे आने वाले टाइम में। एक, इसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज मोटरवे M2 के ऊपर जो ऑपरेशन हो चुका है। दूसरा, रिंग रोड। ये तो इसकी एक मेन खसूसियात में से एक खसूसियात होंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट को दो तरीके से आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे इन फ्यूचर। खुशकिस्मत वो लोग होंगे जो फ्यूचर में इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल हम ब्लॉक्स की बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं मैं विद नेम उसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपके सामने। ओवरसीज ईस्ट है, ओवरसीज सेंट्रल है, एग्जेक्टिव 1 है, एग्जेक्टिव 2 है, ओवरसीज प्राइम है, हार्मोनिक पार्क है और ओवरसीज प्राइम 2 है। ये ब्लॉक रेजिडेंशियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी में अवेलेबल है। डेवलप जो इनका डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त जो रेडी फॉर पोजेशन है, जिसके अंदर तमाम अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं। वैसे तो हर ब्लॉक में मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। ओवरसीज़ ईस्ट जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट है ओवरसीज़ ईस्ट, ये इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि 80% 90% इस वक्त ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल हैं, रेडी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ ईस्ट को कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें फर्दर कितने ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स में कौन कौन सी कटिंग्स अवेलेबल हैं। जी, तो बात स्टार्ट करते हैं ओवरसीज़ ईस्ट से। ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर टोटल जो सेक्टर्स हैं 10 सेक्टर्स हैं। उन 10 सेक्टर्स में से सेक्टर जी है जिसमें 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है। इसी तरह सेक्टर ई है जिसमें 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है। सेक्टर एच है जिसमें 5 और 7 मरला की कटिंग अवेलेबल है। सेक्टर आई जो है ये वन कैपिटल के नाम से अपार्टमेंट्स की, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है जिसकी प्राइजेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह सेक्टर सी जो है ये 10 मरला की यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग अवेलेबल है। सेक्टर जे जो है यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स की कटिंग अवेलेबल है। सेक्टर इसी तरह बी है, उसके अंदर एक कनाल की कटिंग अवेलेबल है। इसके साथ साथ सेक्टर के है वो 10 मरला में, उसमें मोस्टली कटिंग्स अवेलेबल हैं। सेक्टर ए है उसमें भी मोस्टली 10 मरला की कटिंग अवेलेबल हैं। और इसके साथ एक ब्लॉक एफ है उसके अंदर 7 मरला की कटिंग अवेलेबल है। टोटल ये जो 10 सेक्टर्स हैं इस वक्त ऑलमोस्ट ये तमाम जो सेक्टर्स हैं रेडी फॉर पोजीशन हैं। इसमें से कुछ 20% ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, लेकिन 80% जो है आप रेडी फॉर मूव भी हैं, पोजीशन में अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी फर्दर मज़ीद ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आने वाले टाइम में कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, कस्टमर हमेशा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जहाँ पे उसको फ्यूचर नज़र आए, जहाँ पे उसको डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, सोसाइटी के प्लान्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको वहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र आए, इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर नज़र आए, तो हमेशा इन्वेस्टर हो या क्लाइंट हो वो उसकी तरफ ज़्यादा मूव करता है। तो ये जो प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज़ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ये एंड यूज़र के लिए इस वक्त रेडी है। मतलब इस वक्त वो लोग आके बाइंग करेंगे और इस सिचुएशन के अंदर बाइंग करेंगे जो लोग इस वक्त के अंदर घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्होंने अपना घर बनाना होता है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन चल रही है, तो मार्केट की सिचुएशन में इन्वेस्टर वही है इस वक्त जो अपने लिए चीज़ को लेगा और उसको थ्रू आउट अपने लिए ही यूज़ करेगा। एक इन्वेस्टर वो होता है कि जो जस्ट बाय करता है और उसको एक टाइम के बाद सेल कर देता है। तो बाइंग और सेलिंग का जो सिस्टम होता है वो मार्केट की सिचुएशन जब बेहतर सिम्त में जा रही हो तो तब बाइंग और सेलिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है।
लेकिन इस वक्त जो मार्केट का स्नैरियो है उसमें 70-80% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने घर की इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे प्लॉट्स का इंतखाब करेंगे जो उनको लो प्राइस में पड़ेंगे और जिनका आने वाले टाइम में उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पोजिशनेबल प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पर भी मिल सकते हैं, जिसमें आप इजीली अपनी इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ प्लॉट का पोजिशन लेके उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, हमारा मकसद ये है कि आप तक इस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट शेयर की जाएँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर की जाएँ जो आपके लिए इस वक्त करंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सूटेबल हो। फर्दर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो, तो आपके पास नंबर अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर, आप कॉन्टेक्ट करें ताकि हम इसके ऊपर आपको फर्दर ब्रीफ कर दें। थैंक यू।